इंट्रोड्यूसिंग ओप्पो रेनो एस। दोस्तों ओप्पो रेनो की सीरीज़ का एक नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स देखने को मिलेंगे। साथ में इस स्मार्टफोन की जो प्राइस होने वाली है वो बाकी रेनो सीरीज़ के स्मार्टफोन से कम देखने को मिलेगी। दोस्तों फ़ोन की कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो फ़ोन में आपको मिलेगा मीडियाटेक का हीलियो P90 प्रोसेसर, साथ में आपको मिलेगी 90 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओप्पो रेनो एस के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फ़ोन की बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिलेगा 3D ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश के साथ, और आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगी और आपको मिलेगा इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2340 पिक्सल का, और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 395 पिक्सल पर इंच की, और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों फ़ोन में आपको सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। कोई भी कलर सेचुरेशन में और कलर रिप्रोडक्शन में इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। दोस्तों फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा, और चौथा कैमरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। तो रियर कैमरा की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, रियर कैमरा से आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा मीडियाटेक का हीलियो P90 प्रोसेसर, जो कि एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। साथ में आपको मिलेगा पावर VR GM9446 का GPU। तो इस फ़ोन में आप कोई भी गेम आराम से चला पाएंगे, कोई भी लैग, हीटिंग इशू और हैंगिंग प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम, और कस्टम UI आपको मिलेगा कलर OS 6.0 का। फ़ोन की बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिलेगी 4000 mAh की बैटरी, जो कि वूक 3.0 की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। टाइप सी का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको फ़ोन में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट और इसकी प्राइस के बारे में। फ़ोन में आपको दो रैम वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 64GB, दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB 128GB। और फ़ोन की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस आपको, यानी कि 6GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस लगभग आपको 22,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। तो 22,000 रुपये में आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स फ़ोन में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में अक्टूबर के लास्ट वीक तक। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।